हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित कटारिया। भाई सामने आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये है ऑल न्यू i20 अपडेटेड मॉडल है। वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है IVT वाला, जो कि इसका ऑटोमेटिक है। प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैनुअल के अंदर ही आपको मिलती है 8,08,000 रुपये की, और अगर आप जो इसका IVT वेरिएंट लेते हैं जो कि ये है, वो आपको मिलता है 9,11,000 रुपये का। तो भाई 1,03,000 रुपये का आपको जो डिफरेंस मिल जाता है। क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या लुक है गाड़ी का, सब कुछ उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना। तो भाई फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी का। तो भाई इस गाड़ी का जो लुक है ना, और जो कर्टन क्रीसेस हैं भाई, अच्छे खासे दिए गए हैं। मतलब आप वरना में देखिए और भाई इस गाड़ी के अंदर देखिए भाई, अच्छे खासे कर्टन क्रीसेस और लुक मिल जाता है, जिसकी वजह से ऑल ओवर ना यार गाड़ी की रोड प्रेजेंस काफ़ी जो है बढ़िया मिलती है। मतलब एक हटके लुक आता है, क्योंकि आप देखो भाई कर्टन क्रीसेस काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है भाई, बोनट पर आप ये देख सकते हैं। बाकी आपको जो है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स नहीं मिलते हैं इसके अंदर, आपको रिफ्लेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया, नीचे आपको जो है भाई DRS दे रखी है, और यहाँ पे आपको जो फॉग लैम्प भी अवेलेबल है जो कि प्रोजेक्टर के अंदर है। आजकल क्या हो रहा है भाई, खासकर हुंडई की गाड़ियों के अंदर फॉग लैम्प डिलीट होते जा रहे हैं, बट इस गाड़ी के अंदर आते हैं, जो कि भाई अच्छी चीज़ है। फॉग लैम्प ना यार बहुत ही ज़रूरत वाली चीज़ होती है, खासकर जब फॉग आता है, जब आप कहीं घूमने जा रहे हो और एकदम से मतलब पहाड़ी रास्ते में फॉग आ जाता है, तो भाई फॉग लैम्प बहुत ही यूज़फुल चीज़ हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, बाकी आपको फ्रंट की कुछ ये दे रखे हैं, यहाँ पे आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर मिल जाती है, हुंडई का लोगो आपको जो मिल जाता है। और फ्रंट लुक इस गाड़ी को कुछ ये दे रखा है, काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी बोल्ड लुक दिया गया इस गाड़ी का, जो कि मतलब कह रहा हूँ ना कि भाई रोड प्रेजेंस ना काफ़ी हटके आती है। काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, स्पोर्ट्स वेरियंट, और नीचे आपको जो हुंडई का लोगो ये मिल ही जाता है। डायमेंशंस की बात करूँ तो विड्थ मिलती है इसकी आपको 1775 mm की, और व्हील बेस मिलता है 2580 mm का, जिसकी वजह से भाई रियर सीट का कंफर्ट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। मतलब अगर आप इस गाड़ी में पीछे बैठते हैं ना, तो 3 जने कंफर्टेबली बैठ सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी भाई फ्रंट लुक के बारे में तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, साइड लुक के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइड लुक इस गाड़ी में कुछ ये मिलता है आपको, काफ़ी अच्छा खासा आपको साइड लुक दिया गया है। यहाँ पर आपको जो हाइपर स्टाइल रिम्स दिए गए, जो कि ये रहने वाले हैं, पूरा आपको जो अलग वाला फील देंगे। डार्क ग्रे के अंदर मिलता है आपको आगे डिस्क, पीछे जो है ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और कुछ ये रहने वाले हैं 195/55 R16। तो 16 इंच के आपको जो है ना हाइपर स्टाइल रिम्स मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे दिए गए हैं। बाकी भाई ए पिलर बी पिलर क्या बताना, मतलब यहाँ पर तो ये सब बॉडी कलर ही मिलते हैं, और यहाँ पर ब्लैकआउट दिया गया। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है ये क्रोम फिनिशिंग दे रखे, जो कि काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं। यहाँ पे आपको जो है भाई ये ट्रीटमेंट भी दिया गया है। बाकी कर्टन क्रीसेस वही यहाँ भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्रोम ट्रीटमेंट यहाँ यूज़ करा गया है। ग्राउंड क्लीयरेंस की बात करूँ तो भाई 165 mm का लगभग मिल जाता है, कंपनी मेंशन नहीं करती, बट 165 का आपको जो है मिल जाता है। i20 यहाँ पे लिखा हुआ भी है। स्कर्टिंग आपको मिल जाती है इस पर, जो कि ये रहने वाली है, जो कि हम आफ्टर मार्केट कराते हैं। इस कलर पर जो पता नहीं चल पा रहा है। इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्ड वर्स आपको जो है मिरर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको जो टर्न इंडिकेटर दे रखा, जो भी भाई काफ़ी बड़ा दिया गया है। ठीक, डोर हैंडल्स आपको जो है बॉडी कलर ही मिल जाते हैं, हाइपर स्टाइल रिम मैंने आपको जो है बता दिया है। ऊपर आपको जो शार्फिन एंटीना भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी खासी चीज़ है। और 37 लीटर की आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, और कुछ यहाँ पर ये लुक ये दे रखा है, मतलब टेल लाइट के जो है पास में जो इसकी जो यूनिट दे रखी है, तो अच्छी खासी जगह जो है ये दे रखा है, काफ़ी अच्छा जो है लग रहा है। ठीक है, 37 लीटर की आपको जो फिल्ट कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको रियर डिफॉगर मिलता है, वाइपर आपको नहीं मिलता, हाई रूफ स्टॉप लैम, और ऊपर आपको जो है ये शार्पिन एंटीना मिलता है। स्पॉइलर आपको जो है इंटीग्रेटेड दिया गया है इसके अंदर, जो कि ये रहने वाला है। वाइपर आपको नहीं मिलता, LED टेल लैम्प्स आपको मिल जाती है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, ये बस क्रोम का पार्ट ही कनेक्टेड है। तो LED टेल लैम्प्स आपको मिल जाती है, बट ये कनेक्टेड नहीं है। i20 की बैजिंग, स्पोर्ट्स की बैजिंग, और यहाँ पर आपको जो है 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। नीचे आपको जो है भाई अच्छा खासा लुक दिया गया है, जो कि ये रहने वाले। रिफ्लेक्टर्स आपको जो है मिल जाते हैं, रिवर्स कैमरा आपको दिया गया है, जो कि ये भाई अच्छा खासा वेरिएंट है। इस वेरिएंट को आप जो है सेकंड बेस वेरिएंट कह सकते हैं, और मतलब अच्छे खासे फीचर्स मिल जाते हैं इसके अंदर अगर आप इसको मैनुअल में लेते हैं। 1,30,000 रुपये तो देखो आपको जो कॉस्टली हो जाएगा जो उसके ऑटोमेटिक में, बट स्पोर्ट्स वेरिएंट ना काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, और टॉप सेलिंग वेरिएंट भी रहता है इस गाड़ी का। ठीक है, बाकी भाई इस गाड़ी के बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो भाई बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। अगर मैं खोलूं तो भाई बूट स्पेस आपको मिलता ही है। ऊपर आपको जो पार्शल ट्रे दी गई है,
अगर मैं उसकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ भाई, 311 लीटर का आपको जो बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि अगेन एक प्रीमियम हैचबैक के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। बाकी आपको जो है यहाँ पे स्पेयर व्हील 185/65R15 तो 15 इंच का मिल जाता है स्पेयर व्हील। और ट्रिम तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पे 5 छट्टे मिलते हैं, ऊपर आपको ट्रिम दी गई जिसकी वजह से कोई बड़ा एक्सपोज नहीं है। बाकी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये अब इस गाड़ी के अंदर अपडेट के बाद से 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं, क्योंकि पहले फिक्स्ड थे। इसे करते हैं बंद और यहाँ की साइड आते हैं, ठीक है। रियर टेल लैंप्स मैंने आपको जो बता दिया कि भाई LED के अंदर आपको मिल जाते हैं, यहाँ आते हैं भैया। अब रियर डोर कुछ आपको ये मिलता है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर आपको जो डोर टोन ट्रिम नहीं मिलती, 4 स्पीकर और 2 कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल आपको जो यहाँ पर मिल जाती है, यहाँ पर आपको जो है डार्क ग्रे दे रखा है जो कि ग्लॉस के अंदर है, और यहाँ पर पावर कंट्रोल्स, कोई सॉफ्ट टच नहीं मिलता, 1 लीटर बॉडी स्पेस। और यहाँ अगर मैं बात करूँ तो भाई अच्छा खासा आपको जो है कंफर्ट मिलता है इसकी सीट पर, क्योंकि भाई अच्छी खासी जो है बड़ी सीट दे रखी है, तीनों एडजस्टेबल हेडरेस आपको जो है मिल जाते हैं, और भाई 20 पैसेंजर के लिए भी आपको जो है 3 सीट बेल्ट भी अब इसके अंदर मिल जाती है। तो भाई ये अपडेट के बाद जो है ये यहाँ पे ऐड ऑन हुआ था। बाकी रियर एसी वेंट्स भी आपको मिल जाते हैं, USB पोर्ट मिल जाता है, और अच्छा खासा आपको लेग स्पेस मिल जाता है, थाई सपोर्ट वो भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, हम थोड़ा सा ज़्यादा दिया गया है जिसकी वजह से भाई 20 पैसेंजर की थोड़ी सी राइड अनकम्फर्टेबल हो सकती है, बट ये जो सीट है ना काफ़ी बड़ी दी गई है। हेडरूम भी आपको जो है अच्छा खासा जो है मिल जाता है, दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं फ्रंट सीट पे, और कैबिनेट आपको जो तीनों मिलते हैं, डार्क साइड आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको जो लैंप दिया गया है जो कि सेपरेट रियर सीट के लिए रहने वाला है। अब जो इस गाड़ी के फ्रंट डोर के बारे में बात कर लेते हैं, उससे पहले जो इस गाड़ी के बारे में बात कर लेता हूँ, तो की आपको मिलती है ये, आपको फ्लिप की दी गई जिसमें लॉक अनलॉक और बूट ओपन का बटन दे रखा है, दूसरी की आपको जो है बेसिक की मिल जाती है, ठीक है। इसे खोलते हैं और यहाँ आते हैं, 4 पावर विंडो कंट्रोल, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन रहने वाली है, यहाँ पर आपको जो है भाई इलेक्ट्रिक एडजस्टर फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं, ऑटो फोल्ड का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो डार्क ग्रे प्लस आपको जो है ग्लॉस के अंदर दे रखा है, यहाँ आपको 1 लीटर बॉडी स्पेस और यहाँ पर अपनी स्पेस दे रखी है, हाइट एडजस्टेबल सीट आपको मिल जाती है, और काफ़ी बड़ी सीट दे रखी है ये आप देखिए भाई। ड्राइवर सीट भी आपको जो है काफ़ी अच्छी खासी मिल जाती है, यहाँ पर हेडलाइट लेवलर मिल जाता है, यहाँ पर कोई ESP और आइडलिंग शॉट स्टॉप का बटन आपको नहीं मिलता, ठीक है। बाकी जो है इस गाड़ी के यहाँ आते हैं तो स्टेयरिंग से स्टार्ट करते हैं, बाकी इसको थोड़ी सी एडजस्ट करता हूँ। हाँ, तो भाई स्टेयरिंग आपको मिलता है ये, काफ़ी छोटा और काफ़ी स्पोर्टी स्टेयरिंग व्हील मिलता है, जिसके से ऑल ओवर ना काफ़ी आपको अच्छा फील होगा इस गाड़ी के अंदर। और टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलने वाला, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही मिलने वाला, आपने जैसे कि देख लिया। अब जो है एक हाथ से अंदर तो हो नहीं रहा, खैर से ऐसे रहने देते हैं। ऑटोमेटिक हेडलैंप्स आपको मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको नहीं मिलते। और क्लस्टर की अगर मैं बात करूं तो भाई क्लस्टर आपको जो मैं एक बार दिखा देता हूं, भाई की इंसर्ट करते हैं और क्लस्टर करते हैं ऑन, यहां पे आपको रिमाइंडर भी मिल जाता है जो कि भाई पीछे की रियर सीट बेल्ट का रहने वाला, अगर किसी ने नहीं लगाई तो पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी भाई फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिल जाता है, और ये थोड़ा सा ना इस तरीके से टिल्ट है, ये डिस्प्ले इस तरीके से टिल्ट है, और ये थोड़ा सा इधर की साइड टिल्ट है, जिसकी वजह से ना आप काफ़ी कमांडिंग पोजीशन मिल रही है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये पूरा का पूरा ना ये लेआउट मेरे लिए ही बना हुआ है, हालांकि हमारे लिए ही बना हुआ है, बट ऐसा नहीं कि थोड़ा सा लग रहा है कि भाई बिल्कुल मैं ना बिल्कुल इसमें कनेक्टेड फील हो रहा हूँ इस गाड़ी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको जो स्पीड मीटर दे रखा है, यहाँ पर आपको जो RPM मीटर और कुछ ये दे रखा है, और सब कुछ इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर आपको TPMS भी आपको मिल जाता है जो कि हाईलाइन रहने वाला है, बाकी कुछ लुक ये है। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, इंफोटेनमेंट कंट्रोल भी आपको जो मिल जाते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आपको जो है 8 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आता है, 4 स्पीकर के साथ में आपको जो मिल जाता है। भाई बैटरी हो रही है डाउन थोड़ी सी गाड़ी की, इसे बंद कर देते हैं। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में आ जाता है, और क्या, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी अच्छा खासा आपको सिस्टम मिल जाता है, 4 स्पीकर 2 के साथ में आता है। ऑटोमेटिक AC मिल जाता है, 12 वाट का आउटपुट, USB पोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो वही IVT आपको मिल जाता है, तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं शिफ्ट लॉक रिलीज और 2 कवर लेग स्पेस आम ऐसा आपको मिल जाता है। एक बात बताऊँ यार, देखो आजकल ना बोलबाला माइक्रो SUV का है, बट ये जो कम्फर्ट मिल रहा है ना इस गाड़ी के अंदर भाई, माइक्रो SUV क्या भाई, कॉम्पैक्ट SUV भी नहीं मिलता, मतलब ये जो सेगमेंट है ना प्रीमियम हैचबैक सेडान इंडियन मार्केट से भाई ख़त्म होता जा रहा है, आप इस बात को रिलेट करना, बट जो कंफर्ट है ना भाई इन्हीं गाड़ियों के अंदर आता है, जैसे भाई ये वर्ना हो गई, ये i20 हो गई,
अगर आपको काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी चाहिए ना, तो भाई इन गाड़ियों की तरफ आप बिल्कुल जा सकते हो। आपको अच्छा खासा कंफर्ट प्रोवाइड करती है, आपको इतना ग्राउंड क्लियरेंस नहीं मिलता या फिर और चीज़ें नहीं मिलती, बट यहाँ पर आपको बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेंगी, जैसे कि हमें माइक्रो एसयूवी में करना पड़ता है, इतना पंची इंजन नहीं मिलता आपको, जो कम्फर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता, बट इन गाड़ियों के अंदर है ना आपको सब कुछ मिलता है सिवाय ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर। अब वो कहीं ना कहीं इन गाड़ियों के लिए अच्छा भी है और नुकसानदायक भी है। खैर, इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। इसी गाड़ी के ऊपर जो है आगे बात कर लेते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो है भाई कूलर बॉक्स मिल जाता है, कोट एसर वेंटी मिरर की बात करें आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको जो है सनग्लासेस होल्डर, यहाँ आपको लैंप भी दिया गया है जो कि ये रहने वाला है, इसे करते हैं बंद। आइए ने आपको जो डे नाइट दे रखा है, डैशबोर्ड आपको जो है टिकट होल्डर मिल जाता है। ठीक है, तो भाई ये बात रही ऑल ओवर गाड़ी के इंटीरियर के बारे में, एक्सटीरियर के बारे में। डुअल टोन आपको डैशबोर्ड नहीं मिलता, आपको जो है ब्लैक ट्रीटमेंट ऑल ओवर यूज़ करेगा, जिसकी वजह से ऑल ओवर स्पोर्टी लुक आ रहा है इस गाड़ी के अंदर। सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स इस गाड़ी के अंदर आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे खासे आपको जो फीचर्स मिल जाते हैं और भी फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। बाकी वारंटी की मैं बात करूँ तो भाई 3 साल 1,00,000 किलोमीटर्स की आपको जो वारंटी भी मिल जाती है इसके अंदर, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी खासी वारंटी मिल जाती है, आप इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब जो इस गाड़ी के सीधा इंजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो भाई इंजन आपको जो मिलता है इसके अंदर, ये आपको जो 1.2 लीटर कापा सीरीज़ का इंजन मिलता है, जो कि 87 BHP पावर प्रोड्यूस करता है और 114 Nm का टॉर्क। माइलेज की बात करूँ तो 12 से 13 सिटी के अंदर हाईवे आपको जो 20-21 आराम से मिल जाएगा। बाकी ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप जो है किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं। और 4 सिलेंडर इंजन है तो आपको पता है काफ़ी रिफाइंड इंजन आपको जो मिल जाता है, और यहाँ आपको जो बैटरी दे रखी है, ये एयर फिल्टर आपको जो मिल जाता है, और कुछ इंजन ये रहने वाला है। ऊपर आपको जो है इंसुलेशन नहीं मिलती, क्योंकि भाई 4 सिलेंडर इंजन है तो भाई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो ये थी आपकी ऑल न्यू i20 स्पोर्ट्स वेरिएंट। कमेंट करना जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।